प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसकी एक आयत लिखा है। फसह पर्व से पहले यीशु ने देखा कि इस जगत को छोड़ने और परमपिता के पास जाने का उसके समय निकट आ पहुंचा है, तो इस जगत में उसने अपने थे और जिन्हें वह प्रेम करता था उन पर उसने चरम सीमा तक प्रेम दिखाया। अजीजों, कई बार जब मैं सोचता हूँ इस दुनिया में रहते समय कितना कठिन होता किसी के प्रेम में पड़ना, और जिस व्यक्ति के आप प्रेम में पड़ते गए एक दिन उसी व्यक्ति के लिए अपने आप को खोना, कितना शॉकिंग होता है। कई बार परिवारों में जो पति पत्नी एक दूसरे से अथाह प्यार करते हैं, शादी से पहले तमाम वादे, शादी के बाद नई नई शादी में तमाम वादे, एक दूसरे का ध्यान रखना, तमाम प्रकार की बातें, और एक समय ऐसे मुद्दे पर आ जाते हैं जहां पर वे दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ना मैं उससे प्यार करता हूं ना मैं उससे प्यार करती हूं, और एक दूसरे का चेहरा तक वे देखना नहीं चाहते। जन्माने वाली माँ कई बार भूल जाती है, अपने सगे लोग धोखा दे देते हैं, पिता का प्यार ठंडा पड़ जाता है, माता का दुलार खत्म होने लगता है, और हम इस तमाम प्रकार की जद्दोजहद को इस दुनिया में होते हुए देखते हैं। और उसका बड़ा कारण है क्योंकि हर एक का प्यार सीमित है, हर एक के प्यार की सीमा है, हर एक का प्यार करने की, मानवीय प्यार करने की सीमाएं बहुत अधिक है। लेकिन जब आप और मैं अलौकिक प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है और वो ये है कि उसने अपने चेलों से प्यार किया, और उसका प्यार कैसे था, उसने चरम सीमा तक अर्थात उस अथाह प्यार से प्यार किया जिसकी कोई गहराई को कोई नाप नहीं सकता, उसके प्यार की कोई सीमा ही नहीं, उसका प्यार बड़ा है, विशाल है। अजीजों, एक बात इसलिए आज सुबह के समय आप सबसे कहना चाहता हूं, वो ये है, इसलिए परमेश्वर आपको मुझे कुवत प्रदान करे, ऐसी कृपा प्रदान करे सच्चे प्यार के लिए मनुष्य के चेहरे की तरफ देखने से बढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चेहरे की तरफ आप और मैं देखें। मैंने इस बात को देखा है कई बार जिसके चेहरे पर आप देखते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, कई बार उसके प्रति आपकी मांग बढ़ जाती है, आप पॉसेस हो जाते हैं। पॉसेस होने का मतलब है आप उस व्यक्ति को प्यार को चाहने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है ना आप भी प्यार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये प्रभु आपको मुझे अनुग्रह दे कि आप और मैं अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्यार को समझें, जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, बेशर्ती उसका प्यार है, और उसका प्यार अगम्य है। जिन्होंने वादे किए वे धोखा दे सकते हैं, जिन्होंने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ कल वो आपसे नफरत कर सकते हैं, जिन्होंने कहा मैं तेरे लिए मरने तक तैयार हूं कल वो आपकी गर्दन पकड़कर आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं, जिसने कहा आपके सुख दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूं कल वही लोग आपको उस दुख में आपको छोड़कर धोखा दे सकते हैं। लेकिन हमारा प्रभु जो हमसे प्यार करता है, विश्वास योग्य है, वो ना कभी हमें धोखा देता है ना कभी हमें छोड़ता है। उससे बढ़कर और क्या कोई प्यार करेगा कि जो अपने मित्र के लिए, अपने चाहने वालों के लिए क्रूस पर अपनी जान को दे दे, और आपके मेरे प्रभु ने वो करके दिखाया। आज आइए मिलकर उसके प्यार पर आश्रित हों, उसके चेहरे को निहारें, उस पर भरोसा रखें, आगे की तरफ बढ़ें, दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, कई बार प्रभु जी सच्चे प्यार की तलाश में हम गलत ठिकानों पर और गलत लोगों के ऊपर अपनी नज़रों को दौड़ाते हैं, लेकिन आज इस सुबह के समय हमारी तुझसे प्रार्थना है अब्बा, तुझसे और ज़्यादा प्यार करने के लिए मदद कर, और अधिक तेरे निकट आने के लिए कृपा दे, ताकि हम तुझे पहचाने, तेरे प्यार को समझें। जन्माने वाली माँ भूल सकती है अब्बा, अपने सारे लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन तू हमें कभी धोखा नहीं देगा। अनुग्रह दे उस ना धोखा देने वाले प्यार पर विश्वास कर आगे बढ़ जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपसे प्यार करता है, उसको आपका ध्यान है। जय मसीह की।